हाय, कितनी गर्मी है बाहर। हाँ, एसी भी नहीं चल रहा। बिजली नहीं है क्या घर में? भाभी नाश्ता। बिजली नहीं है क्या? आपने नई कुक रखी है? नहीं तो? तो फिर बिजली हमारे लिए नाश्ता क्यों बनाएगी? अरे मैं पूछ रही हूँ, बिजली घर में है या नहीं? पर भाभी जब आपने उसे कुकिंग के लिए नहीं रखा है तो वो हमारे घर में क्या करेगी? वो तो शर्माजी क्या कुकिंग करती है भाभी। मैं काम वाली बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ। उसका मुझे नहीं पता। तू तो किसी काम का नहीं है। नंदू। हाँ क्या हुआ? बाथरूम में क्या कर रहे हो? अरे यार बाथरूम में जो करते हैं वही कर रहा हूँ चंदू। हे भगवान, दोनों मुझे पागल करके छोड़ेंगे। पप्पू इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लेकर आओ। क्यों, वो नाश्ता बनाएगा? अरे यार वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करेगा, तू तो नाश्ते पर अटक गए। अरे यार मैं क्यों बुला के लाऊं, खुद बुला के ले आओ। एक तो खिलाती नहीं हो, ऊपर से बुलाती हो। मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। नंदू तुम जाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लेकर आओ। मैं नहीं जा सकता, मामला अटका हुआ है यार। दोनों ही किसी काम के नहीं है, लगता है मुझे ही बुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हेलो हेलो हेलो, कहाँ बड़े जा रहे हो? काटू क्या कनेक्शन? हो कौन तुम और किसका कनेक्शन काटोगे? भाई इलेक्ट्रिशियन हूँ, तुमने तो खुद काट के बुलाया था ना इधर, काटू क्या कनेक्शन? ओ अच्छा, और कितना काटोगे भाई? कनेक्शन तो पहले से कटा हुआ है। फिर मुझे इधर बुलाया क्यों? मैं जा रहा है। तुम इलेक्ट्रिशियन हो, कनेक्शन जोड़ने के लिए बुलाया? क्या जोड़ना है कनेक्शन काट के? अरे यार कुछ काटना नहीं है, जोड़ना है। वहाँ मीटर है, देखो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अजीब इंसान है। नंदू इधर आओ। क्या ये? अरे क्या है चंदू? नंदू जरा देखो उसे। चंदू मुझे ना इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं सीखना है। हे भगवान, मैं इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए उसे देखने को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसे देखो। मुझे आदमी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं जा रही हूँ ऑफिस, देखते रहना। अरे यार ये सारे खतरनाक काम मुझसे क्यों करवाती है? हेलो। हेलो बॉस। नंदू, अरे तुम्हें जो काम कहा था वो रेडी है ना? हाँ हाँ बॉस, एकदम रेडी है। क्या मस्त लिखा है मैंने, एकदम हिट है हिट। आप सुनेंगे ना तो मर जाएंगे। ओ, तो इतना शॉकिंग है क्या? नहीं, शॉकिंग नहीं, कॉमेडी है। आप हंस हंस के मर जाएंगे। और जितना कहा था उतने रखे हैं ना? हाँ हाँ बॉस, जितने कहे थे आपने पूरे 50,000। अच्छा तो तुम उसको एक पैकेट में रेडी रखना और मैं एक शर्मा नाम के आदमी को भेजूंगा, तुम बस उसके हाथ में दे देना। ओके, शर्मा नाम का आदमी। ठीक है बॉस, मैं बिना शर्माए उसे दे दूंगा। शर्मा? अच्छा बॉस, मैं वो शर्मा को पहचानूंगा कैसे? अरे शर्मा जी की बड़ी बड़ी रोबदार मूछें होंगी, काले काले घने घने बाल होंगे, वही तो शर्मा जी होंगे। ओके, तो बड़ी बड़ी मूछें होंगे। ठीक है बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैकेट शर्मा को भी मिलेगा। ओके बाय। ओ भाई साहब, हुआ कि नहीं? हो गया ना? हाँ, आगे लग। डरा क्यों रहे हो यार? ले लो। कनेक्शन तो मैं काट के लूंगा। बस एक बार ये पैकेट मैं बॉस को दे दूं, फिर मुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शर्मा, ये पैकेट तुझे देख कर रहेगा नमन वर्मा। मम्मी। हाय, मैं बहुत खुश हूँ। पर भोलू पुत्र, मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों मम्मी जी, आपको खुशी नहीं होगी? कोई किसी को इतना दर्द हो रहा होगा तो वो खुश कैसे हो सकता है? मेरी तरक्की से आपको दर्द कैसे हो सकता है मम्मी जी? ओए, ये तेरी तरक्की नहीं, ये मेरी तरक्की है। मम्मी जी, आप तो मेरी हर बात से खुश होती थी ना, तो आज दुखी क्यों हो रही है?
क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? ओए खसमानु खाण्या, मेरी यहाँ दर्द के मारे हालत खराब हुई पड़ी है और तुझे प्यार की पड़ी है। ओए कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। कमर में? तो क्या इतनी देर से मैं फारसी बोल रही थी? मुझे लगा कि आपको मेरी तरक्की से प्रॉब्लम है। कुछ कर पुत्र। मम्मी जी, अपनी तरक्की के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। मेरी मोच के लिए कुछ कर। पर मम्मी जी, आपको ये मोच आई कैसे? अब क्या बताऊं पुत्र, मैं ना मुर्गासन कर रही थी। ओए मुर्गासन? हाँ पुत्र, सोसाइटी की एक औरत आई, मेरे को कहने लगी मुर्गासन करने से ना इंसान जवान हो जाता है। मैंने उसे कहा बहन मैं तो पहले से ही बड़ी जवान हूँ, पर फिर मुझे लालच आ गया। लो जी, उसने कहा पीठ गोल करके ना पंख फैला ले। मैंने जैसे ही पीठ गोल करके पंख फैलाए, फिर मेरे पहले ही रह गए पंख। ओए मर गई। बोलू पुत्र, जा जाके ना मेरे लिए दर्द की मल्लम ले आ। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठे, मैं जाकर आपके लिए क्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा मम्मी जी, अगर कोई शर्मा नाम का आदमी आए ना तो उसे ये पैकेट जरूर दे दीजिएगा, उसकी ना लंबी लंबी पूंछें। अच्छा ठीक है पुत्र। ओके। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम पहले तुम लोगों को तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ जोड़ कर फिर से तोड़ते हैं, और तुम जैसे गुंडों का भरता बनाना हमारा काम। अरे नहीं नहीं, गुंडों के साथ रोमांस कर रहे हो क्या? इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा कि इमोशन के साथ बोलना है। गुस्से के साथ बोलो, गुस्से के साथ। अच्छा गुस्से में? स्वागत नहीं करोगे हमारा? हमारा नाम है चुलबुल पांडे, हम पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ तोड़ कर जोड़ते हैं। यही यही मूड रखना और मर जाना। मर जाना? मैं क्यों मर जाऊं, मेरी उम्र तो बहुत कम है। अरे मरने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि जो डायलॉग तुम बोलोगे ना उसके बाद गुंडे तुम्हें गोली मार देंगे। क्या? अब चलो मरने की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें गोली मारती हूँ। ओके रेडी। ढिचकियाँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मरना भी नहीं आता। वो क्या है ना, मुझे मरने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तुम्हें मरने का एक्सपीरियंस बताऊं क्या? अरे आपको तो मैं देखते ही मर मिटा था। तानिया तुम? हाँ मैं, और मैंने देखा तू यहाँ क्या कर रहा था। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। तानिया तुम हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आती हो यार? मैं कोई गलत वक्त पर नहीं आती हूँ, बिल्कुल सही समय पे आती हूँ तेरे चिचोर बनते पकड़ने के लिए। तानिया मैं तो बस ऐसे ही वो। कोई ऐसे वैसे नहीं, तू उस बांदरी शुक्ला से भी ऐसे ही चिपकता होगा। बांदरी नहीं तानिया, वो सुंदरी है, सुंदरी सुंदरी सुना। अरे बाबा जी, तुझे उसके नाम की इतनी चिंता हो, मेरी बिल्कुल भी नहीं। बेटा तू घर आ, तुझे अच्छे से नापूंगी मैं। तानिया मेरी बात तो सुनो। तानिया आए यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे ही एक्टिंग करना। नंदू अभी तक मल्लम लेकर क्यों नहीं आया? ये मल्लम लेने गया है कि बनाने गया है? चल आए। अरे पापा जी, लगता है आ गया मेरा लाल। ओए मल्लम ले आया? कौन सा मलम? मैं कोई मलम मलम नहीं लाया हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। ओए रुपा, अभी तक मलम ही नहीं लाया। तू कौन है? शर्मा। शर्मा? लो जी मैं क्यों शर्माऊं? तू क्या मेरा ससुर लगता है जो मैं तेरे आगे शर्माऊंगी? अरे मेरा नाम शर्मा है, मैं पैकेट लेने आया हूँ। ना ना ना, हमारे घर में तो दूध का एक ही पैकेट है, वो मैं तुझे नहीं दे सकती।
ये दूध का पैकेट नहीं, 50,000 का पैकेट नंदू से। 50,000 रुपए? अगर कोई शर्मा नाम का आदमी आए ना तो उसे ये पैकेट जरूर दे दीजिएगा, उसकी ना लंबी लंबी पूछे। ओह अच्छा अच्छा, तो तू वो वाला शर्मा है। जास्ट वेट फॉर 1 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। अरे इतना आस्ते हिले ढुले जाएगी तो लगता है पैकेट मुझे परसों तक मिलेगा। खैर अब तो ये 50,000 मेरे हाथ लग के ही रहेंगे। काट दूंगा कनेक्शन। हाय रब्बा, खसमानु खाना मरजना ऐसे सो रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। और शर्मे, काट दूंगा कनेक्शन, काट दूंगा। ओए नलायका बदतमीजा, किसी का कॉल करके सोते हैं? अपना पैकेट ले और चलता बन यहाँ से। ओ हेलो मैडम, हेलो, अब मैं हूँ शर्मा और ये पैकेट मैं लेने आया हूँ। तू भी शर्मा? तू भी मतलब मैं ही हूँ शर्मा। ए शर्मा मैं हूँ, कनेक्शन काट दूंगा तेरा। ए पंगा मत लियो, ये मुंडी है ना, काट के हवा में उड़ा दूंगा। मैं ही हूँ शर्मा और ये पैकेट लेके मैं ही जाऊंगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, हम सिक्का उछाल लेंगे, जो जीतेगा वो शर्मा होगा और दूसरा भी शर्मा होगा। हेलो जी, सिक्का क्या है, हेड की टैल? मेरा हेड। मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये ले। तू जीत गया ना, ऐले सिक्का और पैकेट मैंने दे। ए छानी चल, पैकेट मेरा है ये। अरे बेबी ये सब क्या हो रहा है? ओए ओए मेरे मरने का इंतजार कर रहा था जो इतनी देर लगा दी। तो हम फिर चलते हैं, आप माँ बेटे आपस में बात कर लो। अबे रुक, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ पुत्र, ये शर्मा है और ये बशर्मा है जिसे तूने पैकेट देने के लिए कहा था। अरे मम्मी जी, ये शर्मा कैसे हो सकता है, असली शर्मा तो मेरे साथ में आया हुआ है। ओए कम हियर बदतमीज, ये कुंगराले वाला शर्मा है। मैं ही हूँ शर्मा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं जी, कसम से। तेरे पास क्या सबूत है कि तू ही असली शर्मा है? ओ तुम दोनों में से कोई शर्मा वर्मा नहीं है, असली शर्मा मैं हूँ, तुम लोगों का कनेक्शन काट दूंगा। नंदू जी कसम से। अबे तू शर्मा कैसे हो सकता है, असली शर्मा तो मुझे नीचे मिला था ना। अरे शर्मा मैं हूँ, मुझे तुम्हारे बॉस ने तो भेजा था इधर 50,000 का पैकेट लेने, वो क्या बात करता है। और चुप करो, वो तो मुझे ले ले भेजा था। अरे पर इसे भी तो भेजा था 50,000 का पैकेट लाने। ओजी देखो मैं ही हूँ असली शर्मा, देखो मेरी मोटी मोटी मूछे है कि नहीं। तो मेरी कौन सी, यहाँ पे भैंस की पूछ है, मेरी भी असली मूछ है देखो। अरे मोटी पूछ तो इसकी भी है। ओए फिटे मुंह, मम्मी जी, मम्मी जी, मेरी यहाँ हालत पतली हुई जा रही है और तुझे मोटी पतली मूछों की पड़ी है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लाओ जी, तुम में से शर्मा कौन है इसका फैसला तारावंती वर्मा पटियाले वाली करेगी, और जब तक मैं फैसला नहीं ना कर लेती तुम तीनों में से कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ हायो रब्बा, नंदू पुत्र ये कौन है? अरे मम्मी जी ये आपकी बहू है। कोई मैं बहू की नहीं, मैं उस शर्मा की बात कर रही हूँ जो पैसे लेने आया है। वो मम्मी जी मेरे नए बॉस का ना मैनेजर है। अरे ये सब क्या चल रहे हैं यहाँ? अरे चंदू पंखा चल रहा है और क्या, इतनी गर्मी है तो चलेगा ना। फिर है तेरे ना, तू चाहती हम गर्मी में मर जाए। अरे मम्मी जी मैं ये पूछ रही हूँ, बाहर जो इतने सारे लोग आए वो कौन है और क्यों आए? अरे ये सब शर्मा है चंदू। सबके सब, कोई फैमिली आई है? अरे नहीं नहीं चंदू, मुझे ना बॉस को एक पैकेट भिजवाना था इसलिए बॉस ने शर्मा को भेजा है यहाँ पर। अच्छा इसका मतलब उन तीनों में से कोई एक असली शर्मा है और बाकी के दो नकली शर्मा। हाँ चंदू, पर असली शर्मा है कौन यही तो नहीं पता। उफ, व्हाट ए आइडिया। लो जी हम इन्नी मिन्नी माइनी मो कर लेते हैं, जो आखिर में आएगा ना वो ही शर्मा होगा। व्हाट ए ब्रेन तारावंती। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, हमें दिमाग लगाना होगा। ये दिमाग कौन है?
अरे मम्मी जी मैं कह रही हूँ हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, दिमाग मतलब अकल, जो कि नंदू की अक्सर घास चढ़ने चली जाती है। हैं? क्या बोला? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ नंदू तुम्हें बॉस ने कुछ बताया होगा ना शर्मा की कोई निशानी जिससे हम उसे पहचान सके। अरे शर्मा जी की बड़ी बड़ी रोबदार मूछे होंगी, काले काले घने घने बाल होंगे, वही तो शर्मा जी होंगे। हाँ बताई थी बताई थी। क्या? चंदू बॉस ने कहा था कि उसकी ना बड़ी बड़ी मूछे होंगी और वो भी रोबदार। लो जी फिर हो गया फैसला, हम सबकी मूछे उखाड़ के देख लेते हैं, जो नकली होगा पता चल जाएगा। ये बात पर अब मुझे अपनी पीठ भी ठीक लग रही है, चलो आई एम सो एक्साइटेड। सुबह तक कैसे दर्द से करा रही थी और अभी जैसे उखाड़ने नोचने की बात है कैसे ठीक हो गई। हे बाबा जी कितनी खूंखार सांस दी है तुमने मुझे। असली शर्मा कौन है इसका हमने पता लगा लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, वो तो साहब के कहने पर मैं यहाँ पे आया था पैकेट लेने के लिए कसम से। मैं भी पैकेट लेने आया था मैडम। और मैं भी इधर आया ही था कि चुप चंदू पुत्र इनकी पूछे ऐंठ ले। ओए नो 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 नो, फिर पता चलेगा कसम है कितना रोब है। ए जल्दी दे तलाशी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐंठ ले ऐंठ ले। मम्मी जी मिल गई मिल गई मिल गई। वही मैं खोई कहाँ थी जो मिल गई? अरे आप नहीं मम्मी जी, असली मुझे मिल गई। इसका मतलब है तू असली शर्मा है। नेक्स्ट नंदू। ओके मम्मी जी नेक्स्ट। मिल गई मम्मी जी मिल गई, पूरी मूछे वो भी रौबदार। क्या करते है ये तो नकली मूछे। अरे इसकी है चंदू। ए, तेरी मूछे रख अपने पास। मुझे कहीं देखा है। ये तो वही इलेक्ट्रिशियन है जो सुबह इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आया था। नंदू इसका मतलब समझे? समझ गया चंदू, यही ना कि इलेक्ट्रिशियन मूछ मुंडा है। अरे नहीं इसका मतलब ये है कि ये आदमी फ्रॉड है। जल्दी से वो पैकेट मेरे हवाले कर दो। जल्दी से ये पैकेट मारे वाले कर दे। जब तक जांच नहीं होगी मैं नहीं दूंगा ये पैकेट किसी को भी। अरे तुझे ये निशानी नहीं समझ में आती है जो तेरी गर्दन पे है? उड़ा दू गर्दन दे पैकेट। यू, यू, यू। हाई, हाई। ए, ए, ए। अरे अरे कोई रोको उसे, मेरे 50,000 रोको। रियली? अरे रोको। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम पहले तुम लोगों को तोड़ेंगे, फिर तोड़ तोड़ कर जोड़ेंगे, फिर जोड़ जोड़ कर वापस से तोड़ेंगे, क्योंकि बुलबुल पांडे नाम है हमारा। अरे पप्पू तूने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हाय मेरा लाल। अच्छा हुआ तो पुलिस बन गया, तुझे पता है ये गुंडे तेरे भाई को मारना चाहते थे। क्या? अब जिस आदमी को देख के लोग हंस हंस के मर जाते हैं तुम उसे मारना चाहते थे? बताओ कौन मारना चाहता था? कौन है तुम में से शर्मा? ये जो कुंगरा ले बालू वाला ना ये शर्मा है। मैं ही हूँ शर्मा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं कसम से। तो फिर तुम लोग कौन हो? ये तो इलेक्ट्रिशियन है जो सुबह इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आया था। अरे गलती हो गई, इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। मैंने सुबह नंदू भाई को सुन लिया था 50,000 रुपए की बात करते हुए, तो मैं इधर आ गया लालची बन के शर्मा बन के, कुछ नहीं मिला कनेक्शन काट के। अभी तेरा कनेक्शन मैं काटूंगा बाद में, पहले ये नोट मैं मम्मी जी को वापस करूंगा और उसके बाद तेरा कनेक्शन लगाऊंगा। अबे लेकिन ये कौन है? ये
तू कौन है बे? साहब मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ साहब। क्या बात है? ये साहब दवाई की दुकान पे गए और 50,000 का जिक्र करने लगे और वो कहने लगे कि कोई 50,000 का पैकेट लेने। 50,000? मूंछों वाले शर्मा जी आएंगे। इसी बात का फायदा उठा के मैं यहाँ आ गया। सच सच बताओ कहाँ से चुराए तुमने पैसे? कौन से पैसे? अरे ये तो 50,000 वर्ड्स वाली स्क्रिप्ट है जो मैंने अपने नए बॉस के लिए लिखी है। पूरे 50,000 वर्ड्स। हाँ इसमें स्क्रिप्ट है? और तुम चाकू की नोक पर भी ये देने को रेडी नहीं थे? अरे कैसे दे देता चंदू, एक महान राइटर की महान स्क्रिप्ट चोरी हो जाती तो। ओए पापा जी, इस स्क्रिप्ट के लिए इतना तामझाम हो गया। ओए खसमानु खानिया, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? अरे मुझे पहले मालूम होता तो अपनी जान जोखिम में डाल के मैं ये किधर क्यों आता। ए, चल बाहर निकल, चल चल, वरना हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि खाए कहां से। और नहीं जी, मैं जाता हूँ जी। जाए। ए, चलना तू भी निकलना, चल जा रहा हूँ। अगली बारी कुछ कनेक्ट वनेक्ट कटोगे मुझे बुलाना मत, ठीक है भाई? अब तुम यहाँ, तू यहाँ क्या कर रहे हो? ओ शर्मिया, ये ले स्क्रिप्ट और भाग यहाँ से। कसम से संभाल के ले जाना, मेरी स्क्रिप्ट बहुत कीमती है। अरे क्या संभाल के ले जाओ, उसको पढ़ के तो प्रोड्यूसर वैसे ही मरने वाला है। आज मेरे नलायक पुत्र ने मेरे लाल को बचा लिया। वो इसलिए मम्मी जी क्योंकि मैंने पप्पू को पहले ही फोन करके सब बता दिया था। हाँ भाई, मैं अपनी आने वाली फिल्म में ना एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार कर रहा हूँ, इसीलिए यूनिफॉर्म में ही आ गया। मैंने कहा गुंडों को डरा के और आपको बचा लूंगा। देखा भाई मेरी एक्टिंग का कमाल। ओए बोलू पुत्र, पुत्र तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नंदू तुम ठीक हो ना? कमाल है यार, इतना बड़ा काम मैंने किया और ये ख्याल इस भालू का रख रहे हैं। कोई फायदा नहीं पप्पू बेटा, अब तो मेरी आइटम, अब तो तानिया भी मुझसे नाराज हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां।